मध्य प्रदेश के खरगोन में कपास के भाव सही नहीं मिलने से सैकड़ों किसानों ने खरीदी केंद्र पर हंगामा कर दिया। गुस्साए किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, यहां भी ठीक से जवाब नहीं मिला तो नाराज किसान मंडी पहुंच गए। सीसीआई के कपास रिजेक्ट करने पर किसान भड़क गए। किसी तरह समझाइश देकर उन्हें खरीदी केंद्र भेजा गया। शिवराज सरकार एक तरफ तो खुद को किसानों की हितैषी बताती है तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाता खरीदारों के रवैयों से परेशान नजर आ रहे हैं। खरीद केंद्र के भाव नहीं मिलने से सैकड़ों किसानों में रोष घेरा गया है। सीसीआई और व्यापारी किसानों के कपास को निम्न क्वालिटी का बताकर उसे रिजेक्ट कर रहा है, वहीं किसान उसे अच्छी क्वालिटी का बताकर सीसीआई से कपास खरीदने के लिए गुहार लगा रहा है। हंगामा बढ़ने पर शिकायत करने कुछ किसान खरगोन कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम अभिषेक गहलोत ने पूरे मामले पर किसानों से चर्चा की। एसडीएम गहलोत ने किसानों को वापस किसान जीनिंग लौटने की बात कहते हुए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं करने का आश्वासन देकर लौटा दिया। किसान फिर वापस कपास खरीदी केंद्र पर आ गए, लेकिन सीसीआई के कर्मचारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया और किसानों का कपास खराब बताकर उन्हें वापस लौटाने को कहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जबकि इस कपास की क्वालिटी अच्छी है, जबरन इस कपास को रिजेक्ट किया गया और ऐसे कैसे सारे वाहन यहाँ से वहाँ तक के रिजेक्ट किए गए। इनकी हठधर्मिता और इनके दबाव में लेके किसानों को प्रेशर दे के ये लोग डरा रहे हैं सभी किसानों को। ये कपास का करेंगे क्या किसान, इससे क्या हमारे से बीज निकल रहे हैं क्या, खरीदेंगे कहाँ से बीज। बहुत हालत खराब है किसानों की, किसानों की बेबसी का नाजायज फायदा उठा जा रहा है ये जो भी शासन कर रहा है। शासन यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा है किसानों को। शिवराज सरकार तो बोल रही है किसानों का सब सारा फसल खरीदी जाएगी। सब बातें, किसानों का प्याज 6 रुपए में दे रहे हैं, ये क्या क्या दे रहे हैं 6 रुपए। लागत उसकी कम से कम 12 रुपए लागत है प्रति किलो पे, और 6 रुपए किलो में किसान से खरीद रहे हैं। कपास 5100, जबकि इसमें 8000 से 9000 या 10000 इसका भाव होना चाहिए। प्रदेश सरकार तो बोल रही है किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार बोल रही है किसानों की फसल का दाना तक खरीदा जाएगा। सब फालतू बात है, आप देख रहे हो ये 100 किसान का ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हैं, 150 किसानों का ट्रैक्टर खड़े हैं, सब रिजेक्ट कर दिए हैं। कैसे खरीदे, कहाँ खरीदे, ये जुमलेबाजी है, फालतू की बयानबाजी है इनकी कि हम लोग ये खरीद रहे हैं। तो किसान को एक तरह से इतना चुतिया समझ लिया गया है कि मतलब कि उसकी तो कोई औकात भी नहीं। अभी कभी ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है तो कोई भी यहाँ का अधिकारी आएगा बोलेगा कि तुम ट्रैक्टर यहाँ से भगाओ। क्या किसान का इतना भी हक नहीं है कि यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा सके, क्या इतना भी हक नहीं है? वो ये भी नहीं कर सकते, पानी पी ले जाएगा वहाँ से भी भगा देगा। क्या किसान वो भी नहीं कर सकता, यहाँ पे किसान का सामान लिया जाएगा पर उन्हें बेतुके भाव में 2200-2500, ये 2200-2500 का कपास दिख रहा है क्या उनको? कहीं भी मतलब उनके मुंह में जो भी आया बोल दो, किसान कितना खर्चा लगा क्या लगा वो एक कहीं नहीं, बस वो कपास भर के लाया वो देख लो, बस उसमें थोड़ी खराबी है तो कम भाव में लो। यार तुम 2900-2200 में मांगते हो तो ये कोई कपास का भाव थोड़ी ना है, या इसमें थोड़ा क्या कमी है, 5100 का भाव यही है। कोई थोड़ा बहुत कहीं ले दे ले तो उनको बोल देते कि हाँ भाई 5100 में डाल दे अपने यहाँ, ये कौन सा हुआ किसान का, क्या करेगा क्या, कोई फांसी लगा है क्या, मरेगा क्या? सीसीआई और व्यापारियों की मिली भगत है। हाँ ये तो सीसीआई व्यापारी, पहले तो ये सीसीआई माल खरीदते, चलो ठीक है, तो फिर यहाँ का कोई व्यापारी आता है पहले वो देखता है, और सीसीआई वाला उसको बोलता है कि देख भाई ये कैसा कपास है, तो वो करेगा या सीसीआई वाला, पहले तो ये डिसीजन करो कि खरीद कौन था, वो पहले उससे पूछता है, और जिसकी सेटिंग हुई है उसका कपास वो पहले जो लेने आएगा वो बोल लेगा कि ये कपास अपन को लेना है, तो वो साइन करके ले ले। तो बाकी किसान आज जिसके पास धन है वो तो दे देगा, जिसके पास नहीं है वो करेगा क्या? और किसान आरोप लगाए सर कि सीसीआई कपास को रिजेक्ट कर दिया गया, आपके पास भी शिकायत लेके आए? नहीं देखिए, सीसीआई का बड़ा क्लियर कट नॉर्म्स है कि उस नॉर्म्स के अंतर्गत जो कपास आता है उसी की वो खरीदी करते हैं। उसको लेकर हमने यहाँ जो खरीदी केंद्र बनाया, कल कुछ किसान आए थे जिनका कहना था कि वो गलत तरीके से मतलब जो है उनका रिजेक्ट किया गया है, तो उसके लिए हमारे द्वारा मंडी से जो है मंडी निरीक्षक को वहाँ पर भेज दिया था कि वो एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो जाएगा कि जो है किसान सही कह रहे हैं या फिर जो है सीसीआई के अधिकारी सही कह रहे हैं। लेट नहीं, कल के लास्ट डेट था तो कल खैर समाप्ति हो गई है उसकी, जितना खरीदना था वो तो खरीद लिया हम लोगों ने। भाव नहीं मिलने की बात भी आ रही थी। नहीं, सीसीआई में तो फिक्स भाव है, वो तो उसी रेट पे खरीदते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।